हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन और उसमें कौन कौन से डिजिट्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप चाहे तो उसको रिफ़र कर सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो पहले हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल एडिशन की। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि 0 से 9 तक के हम डिजिट यूज़ करते हैं और 10, 11, 12 से लेकर 15 तक के लिए हम लोग ए बी सी डी ई एफ ये यूज़ करते हैं। ये ऑलरेडी जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वाला लेक्चर है उसमें मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अब इसमें बात आती है कि जब हम एडिशन करते हैं, तो जब भी हम हेक्साडेसिमल एडिशन करते हैं तो हमें दो तीन पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आप पहले नोट कर लीजिए कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने दो नंबरों को एडिशन किया या दो डिजिट्स को ऐड किया। तो सपोज़ कीजिए, अगर हम दो डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए कि से हमने ऐड किया 7 और +6, तो 7 और 6 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 13 की जगह पे आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से ये क्या हुआ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो अगर 13 आ रहा है तो 13 की जगह पे आपको क्या लिखना रहेगा, आपको डी लिखना रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने ऐड किया 6 + 5, तो 6 + 5 कितना आएगा, 11। तो 11 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 11 की जगह पे आप लिखेंगे बी। तो पहला कंसिडरेशन तो ये है कि अगर कोई भी एडिशन 10 से 15 के बीच में आता है तो आपको करस्पॉन्डिंग लेटर, आपको जो 10 से लेकर 15 के बीच हम लेटर यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाइए, ये पहला फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आ जाइए सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे ये क्या कह रहा है कि इफ आइदर ऑफ द एडेंट्स कंटेन ए लेटर थ्रू एफ, कन्वर्ट द लेटर टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट एंड देन प्रोसीड। मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको उसने दे दिया कि ए +3 आपको ये करना है, तो अब ए +3 कैसे करेंगे। तो इसमें वही चीज है कि इस ए का डेसिमल में, जब हेक्सा डेसिमल में आप इक्विवेलेंट निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 10 आएगा। तो आप पहले 10 इसको लिखेंगे, फिर 3 आपने लिखा, 10 3 13, और 13 को पहले पॉइंट के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, डी। तो यानी कि सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि अगर कोई भी दो डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हैं और उनमें से कोई एक डिजिट जो है लेटर है, तो पहले उस लेटर को आप उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कहीं लिखा हुआ है ई प्लस से 4 करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, ई का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14, तो आप लिखेंगे 14 + 4, ये कितना हो जाएगा, 14 + 4 जो है ये आ जाएगा आपका 18। और 18 जो है हेक्साडेसिमल में जैसे भी लिखते हैं, इसमें से फिर हम 16 घटा के और 2 और 16 का जो भी कैरी आएगा वो हम लिख देंगे। तो ये जब हम सब्ट्रैक्शन बताएंगे तब आपको ये हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक, 18 का अगर आप हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा भाई, 16 एकम आपने क्या किया, 16 बचा 2। ठीक, इस तो 16 एकम 16 और बचा 2, ये आप ऐसे लिख लेंगे, तो हेक्साडेसिमल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1, इस तरह आंसर। यानी कि सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर कोई भी लेटर आता है एडिशन करने के लिए तो पहले आप उसको उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे ये क्या कह रहा है कि इफ द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन इज ग्रेटर देन 15, जैसे यहाँ पे आ रहा था, अगर दो एडिशन आपने दो डिजिट्स का एडिशन किया, जैसे हमने ई प्लस फोर किया था ना, तो ई प्लस फोर क्या आ रहा था, ई का कितना था, 14 और +4 18 आ रहा था, और ये 18 क्या है, ग्रेटर देन 15 है, क्योंकि 15 तक ही हेक्साडेसिमल में अलाउड है। तो क्या करेंगे, यू मस्ट सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दैट एडिशन, पुट डाउन द डिफरेंस ऑफ दैट सब्ट्रैक्शन फॉर दैट पोजिशन एंड कैरी ए 1 ओवर 2 द नेक्स्ट पोजिशन। मतलब देखिए वो ये कह रहा है, जैसे आपने कहा ई और 4 ये आप ऐड कर रहे हैं, कितना आएगा,
आपने इसको कन्वर्ट किया ई को 14 प्लस 4 कितना आ गया 18। अब 18 क्या है, 15 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, आपने घटा दिया 16, कितना आया 2। ठीक, तो ये आप करेंगे कि 2 लिख देंगे और कैरी 1 ओवर टू द नेक्स्ट पोजीशन, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2 और यहां पे लिख देंगे कैरी 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल में ये। तो ये तीन पॉइंट्स आपको हेक्साडेसिमल एडिशन जब भी आप कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हम कोई एक नंबर लेके उसको एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, से क्वेश्चन दिया है डी ई बी और आपको ऐड करना है 1 और 0 और E, 1 0 E, इन दोनों नंबर को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा डी ई बी और यहाँ 1 0 E। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जहाँ लेटर है वहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट लिख लीजिए। तो D का कितना हो गया 13, E का कितना हो गया 14 और B का कितना हो गया 11। ठीक, ऐसे ही E का कितना हो गया यहाँ पे 14। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको एडिशन करना है, तो 11 और 14 आप जोड़ेंगे क्या आएगा, 25 आएगा। अभी हम इसको ऐसे लिखे रखते हैं। ठीक, तो अब 25 आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, 25 में आप क्या करेंगे, 25 में से आप 16 घटाएंगे, कितना आएगा 9। तो 9 तो आप यूज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, आप यहाँ लिखिए 9 और ये जो माइनस आपने किया इसका एक कैरी कर दीजिए यहाँ पे 1। ठीक, अब 1 प्लस 14 और प्लस 0 कितना हो गया 14 और 1 15। ठीक, यहाँ आएगा कितना आ जाएगा 14 और 1 15। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आएगा 15। ठीक है, और 14 और 1 15। ठीक है, अब यहाँ पे 15 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं F, और यहाँ पे 13 और 1 14 फिर आप जोड़ेंगे 14 आया, 14 की जगह आप क्या लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, देखिए A B C D E F ऐसे होता है ना, 10 11 12 13 14 15 सॉरी 15। तो 14 की जगह पे आप लिख सकते हैं E, तो ये आ जाएगा आपका आंसर EF9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा EF9, दिस इज द आंसर, क्लियर। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 8, नंबर दिया है 8F97 और D54C, इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिखिए 8F97 आपने लिखा, यहाँ आपने लिखा D54C। अब जहाँ पे लेटर्स हैं वहाँ उसके इक्विवेलेंट लिखिए, तो इसका कितना हो गया 15, यहाँ पे C का कितना हो गया 12, F का फिर यहाँ पे D का कितना हो गया, D का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, D का यहाँ पे देखिए D का हो गया 13, D का आपने लिख दिया 13। ठीक, बस बाकी सब चीज अब क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 12 और 7 19 आएगा, 19 में से आप क्या करेंगे 16 घटा देंगे, कितना आएगा 3, तो ये आपने लिख दिया 3 और ये जो घटाया है आपने इसका कैरी यहाँ आ गया 1। अब यहाँ पे 9 4 13 और 1 14 के इक्विवेलेंट कितना आएगा सीधा सीधा ई, भाई यहाँ पे आया 14 तो 14 का सीधा सीधा हो गया ई। अब आगे चलिए 15 और 5 20, अब 20 यहाँ पे आएगा तो 20 आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फिर माइनस 16 कीजिए कितना आएगा 4, तो आपने लिख दिया 4 और ये जो माइनस किया इसका कैरी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जोड़िए 8 और 1 9 13 और 9 22, तो यहाँ पे कितना आया 22, तो फिर 22 को फिर आप नहीं लिखेंगे तो 22 में 16 घटाइए कितना आया 6,
तो यहाँ लिख देंगे 6, और ये जो आपने घटाया है इसका कैरी आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आपका ये आ गया, यानी आंसर आ गया आपका कितना 164E3, दिस इज द आंसर। तो जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दो नंबरों को ऐड करेंगे, दो हेक्साडेसिमल नंबर्स को, तो आपको वही तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको अगर आप ध्यान में रख के करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। अब देखिए हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन मतलब दो हेक्साडेसिमल दिए नंबर दिए हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें भी आप पॉइंट्स ध्यान रखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, या पॉइंट्स क्या आप समझ लीजिए, स्टेप स्टेप वन में आप क्या करेंगे, कंप्यूट द 15s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रहेंड बाय सब्ट्रैक्टिंग ई डिजिट ऑफ द सब्ट्रहेंड बाय 15। सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे 15s कॉम्प्लीमेंट। 15s कॉम्प्लीमेंट कैसे कंसीडर होगा, इसकी वीडियो देखिए मैंने 9s कॉम्प्लीमेंट की, 9s 10s की, 1s 2s की, 8s कॉम्प्लीमेंट, 7s कॉम्प्लीमेंट की, कई सारी वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पे। किसी भी एक वीडियो को आप देखेंगे तो वही उसी मेथड से आपके सारे कॉम्प्लीमेंट्स निकल आएंगे। तो तब भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे 15s कॉम्प्लीमेंट गिवन नंबर का। फिर स्टेप टू में हम क्या करेंगे कि इसमें 15s कॉम्प्लीमेंट में हम एक जोड़ देंगे ताकि हमको 16s कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। ठीक, और फिर स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे कि इसको नंबर जो गिवन नंबर है हमारा, गिवन नंबर या गिवन नंबर वन को ऐड कर देंगे 16s कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर टू, जो दूसरे नंबर का हमने 16s निकाला है उसमें ऐड कर देंगे। अब आप इसको सिंपली एक एग्जांपल से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए बी ई डी, ठीक, इसमें से आपको माइनस करना है 1FAD, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो सब्ट्रैक्ट जिसको माइनस करना है उसका पहले आप 15s निकालिए। 15s कैसे निकलेगा, हर डिजिट को अलग अलग 15 से माइनस कर दीजिए, यानी आपने लिखा 1FAD, इसको आप 15 में से, इसको 15 से, इसको 15 से, इसको 15 से माइनस करेंगे, ठीक, अलग अलग, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, डी कितना होता है, डी होता है 13, तो 15 में से डी गया, 13 गया, 2 आ जाएगा। ये 10, ए कितना होता है 10, 15 में से 10 गया, 5 आ जाएगा। एफ कितना होता है 15, तो 15 में से 15 गया, 0 आ जाएगा, और 15 में से 1 गया 14, 14 कितना होता है ई, तो ये ई आ जाएगा, ठीक। तो ये जो आया ये क्या आया, ये आया हमारा 15s कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, सेकंड स्टेप, ये स्टेप हो गया, ये वाला स्टेप 1 ऐड कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा E053, ठीक, ये हो गया, ये आ गया आपका 16s कॉम्प्लीमेंट। अब इस नेगेटिव ऑफ दैट नंबर की जगह पे आप इसको रख के ऐड कर दीजिए, यानी ए बी ई डी और इसकी जगह E053, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे तो फिर ये आप इक्विवेलेंट रख लीजिएगा, डी का 14 हो गया, ई का जो भी हो गया आपका, ठीक है, डी का 13 हो गया, ई का 14 हो गया, इस तरह करके, तो आपका ये आ जाएगा 8C40, ठीक, ये जो आएगा यही आपका आंसर होगा, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इनको ऐड कैसे करेंगे, अभी
प्रीवियस टॉपिक में मैंने हेक्साडेसिमल एडिशन बताया है, उसी से जब आप ये ऐड करेंगे तो ये चीज आएगी। ठीक, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है FEED 16 में से, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर है, और DAF3 ये दिया हुआ और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे DAF3, सबको सारी डिजिट्स को अकेले अकेले हम 15 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 में से 3 गया 12, और 12 का मतलब हो गया C, फिर 15 में से F गया 0, फिर 15 में से 10 गया 5, और फिर 15 में से 13 गया 2, ये आ जाएगा। ये क्या हुआ, ये हुआ 15S, फिर एक ऐड कर देंगे तो C कितना होता है, C होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में C होता है 10 11 12 13 में देख लीजिएगा, तो C में आप एक ऐड, भाई यहाँ पे आप देखिए ना 10 11 12 13 14 15 ABCDEF ये होता है ना, तो C कितना है, C है 12, 12 में एक जोड़ेंगे 13, और 13 को क्या लिखते हैं D, तो ये हो जाएगा D, फिर यहाँ पे 0, ये 5, ये 2, ये आ गया क्या 16S कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसको इस नंबर में ऐड कर देंगे, तो आप लिखिए FEED और 250D, इसको आप हेक्साडेसिमल एडिशन कर दीजिए। हेक्साडेसिमल एडिशन इसी लेक्चर में मैंने शुरू में पढ़ाया हुआ है, आप उस हिसाब से कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कैसे, भाई डी कितना है 13, तो 13 और 13 आप जोड़ेंगे 26 आएगा, 26 में से आप 16 घटा देंगे कितना आएगा 10, 10 की जगह आपने लिख दिया ए, और ये जो 16 माइनस किया इसका कैरी 1। अब ई कितना होता है 14, 14 और एक 15, 15 को क्या लिखते हैं एफ। ठीक, फिर ई कितना है 14, 14 और 5 19, तो फिर 19 को में से हम 16 घटा देंगे कितना बचा 3, तो ये 3 हो जाएगा, और ये जो माइनस किया इसका कैरी आ गया 1। फिर एफ कितना होता है 15, 15 और एक 16 और 2 18, 18 में से फिर 16 घटाएंगे ये आ गया 2, और ये जो 16 घटाया इसका कैरी 1 यहाँ आएगा, मतलब इसको आप लिख दीजिए 1, तो यानी इसका आंसर आ गया 1 2 3 FA, दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो कैरी आएगा ये, तो चूंकि आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सिंपल एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो इस कैरी को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, मतलब ये वन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी फाइनल आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इग्नोर कैरी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 2 3 FA, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।